फिर शुरू कर दी। क्या तू भी है जी, पेपर पढ़ते रहते, काम धंधा कुछ भी नहीं है। अरे क्या बोलना चाह रही भाई तू, घर में भी सुकून से रखो बैठू। सीधा सीधा दवाखाने को जाते नहीं जाते? जा रहो ना, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे इधर देख रहे, अरे फिर शुरू कर दिया। अरे रोक नहीं, 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 प्लीज भाई नहीं करता, अब नहीं करता। तब भी ऐसी बेईमानी करते रहता तू। अरे मैक मोहन, कहाँ छुप के भाग रहा था मियाँ? ऐसा गायब हो गया जैसे गधे के सर से सिंह। भाई आपके पैसे देना हो ना, इसके वास्ते मुझ छुपा लेते फिर रहा हूँ भाई। तो क्या मैं तेरे को फाइनेंसर दिख रहा हूँ? भाई डर डरी से ना भाई। अरे मेरे से नको डर, खर्जे से डर। कर्जा शेर से भी ज्यादा खून खार होता। मैं अपने पैसे माफ कर दिया, जा तू मेहनत करके अपना कमा। चलिया भाई, अल्लाह हाफिज। टाइगर सुल्तान जिंदाबाद, टाइगर सुल्तान जिंदाबाद। अरे घर के बाहर नहीं निकलते जी तुम? अरे अरे क्या तो घर में बैठ के? अरे 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 बचा, ठहरो तो सही, मैं तुम्हारा बताती हूँ। रुको तो सही, कहीं को भाग रही इधर उधर? क्या हुआ रही मियां? बाहर निकलो, अरे इधर आओ तुम। क्या हुआ माँ? मेरे से बात करो, इधर ठहरो, बोलो। क्या हुआ? तंग कर दी भाई, रात दिन तंग कर दी, रात दिन तंग कर दी। क्या इतने गलीस लगा, मैं आज तक नहीं देखा भाई, झाड़ू से मार के घर को। शिकायत कर रहे हैं काम के ना काज के, शिकायत कर रहे हैं भाई, भाई है। इसका बाप पहले मैं कू साइकिल मोटर दिला तू मला, खाली साइकिल दे दिया भाई, मोटर खरीद के लगा लो कहते। ऐसे लोग हैं भाई ये लोग, बात करते चूड़ी साड़ी सैंडल कमाने जाते नहीं, मेरे बाप का नाम लेते। अरे देखो भाई, बाप पे ना कुछ। क्या है रहीम मियां ये सब? अब ये सोप तस्वीर रोडों पे होंगे क्या? रबरों के, चोटियों के, साड़ियों के, चुंदरियों के। अरे अकल होना यार, हमारा क्या माशरा हो गया मियां ये? जाओ उसको जाके चप्पल दिला के लेके आओ। भाई कहाँ से दिलाऊं भाई, नंबर पूछ लो उससे, चप्पल दिलाओ। कौन से नंबर की चप्पल होना जानू? अब नंबर भी भूल गए, अब भी छापी ना तुम्हारी पीठ पे। देखो भाई देखो, मारी से चप्पल से। क्या है जी ये, औरत हो के मर्द के ऊपर हाथ उठाते, ये तरीका है? जाओ जाके चप्पल दिला के लेके आओ। आइंदा नहीं करना। सलाम अलैकुम खाला। वालेकुम सलाम, कौन है रे तू? क्या खाला भूल गए? सलीम। कौन सलीम? अरे दो साल पहले तुम्हारी बेटी को छेड़ा था, तुम और खालू मिलके फूल धोए थे, पुलिस स्टेशन में दिए थे, याद आया? अच्छा तो तू है, माटी मिले क्या सूरत लेके आया भड़वे? हम पहले से परेशान हैं, अभी तेरे खालू दही लाने गए, आते ही होंगे, बहुत परेशान है हम लोग। अरे खाला तुम्हारे को परेशान करने को नहीं आया, खाला तुम्हारी परेशानी दूर करने के वास्ते आया। वो कैसा? ऐसा ये कौन है, गेंडे के जैसा? सूरत तो देखो इसकी, चोर के जैसा लग रहा, तेरे जैसा। अरे खाला हम लोग चोरा नहीं है, हम लोग सफाई कंपनी से आए, मैं मैनेजर हूँ, इन्हें मेरा क्लीनर है, हम लोग ये वैक्यूम क्लीनर हम बेचते। क्या तभी हो रहा है यार? अरे कौन है रे तुम लोग? मैं सलीम, सलीम। अरे कौन सलीम? तू है? अरे चप्पल से नहीं, अरे खालू चप्पल से नहीं, अरे 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 चप्पल 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 नीचे रखूंगा। अंकल तुम वो समझदार है ना, चप्पल नीचे रखो, मेरी बात सुनो, तुम वो समझदार है ना, चप्पल नीचे रखो। रखो बोल, अब क्या बोल रहा है तेरे को? अरे खालू काम से आया खालू मैं। अरे क्या काम से आया? अरे ये वैक्यूम क्लीनर बेच रहे हैं भाई हम लोग। हाँ ये वैक्यूम क्लीनर क्या है रे? अरे खालू ये वैक्यूम क्लीनर क्या है मैं समझाता हूँ।
अब सुबह शाम तुम ये घर में काम करते रहते, हाँ, झाड़ू मार मार के थक जाते, हाँ, कमर झुक जा रही, हाँ, समझ रहे ना, बीमार हो जा रहे तुम। अब तुमको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हों चाह के भी तुम्हारे से काम नहीं करा सकते। अच्छा, ये वैक्यूम क्लीनर है, समझ रहे ना, इसको ऐसा प्लग में लगाए, मशीन ऑन करते ही खुद ब खुद पूरे कचरे को साफ कर लेता। अरे मैं अब भी साफ करा ना। तुम टेंशन न करो खालो, उसका भी इंतजाम है हमारे पास, हम कस्टमरों को शिकायत का मौका ही नहीं देते। बॉबे, यस, कचरा निकाल छोटे। क्या तो भी कर रहे लोग। अरे 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 कचरा रे, अरे 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 कचरा रे, कचरा रे तेरे घर। अरे क्या कर रहे हैं यार, कचरा रे टनाना टांगाना टनाना 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 कचरा रे, कचरा रे तेरे घर में। अबू अरे अरे बॉबी, अरे ये सब क्या कर दिया रे? मशीन खराब हो गई। अरे तो फिर ये कचरा कौन साफ करेंगे? मशीन खराब हो गई। मशीन खराब हो गई, मशीन खराब हो गई, मशीन। अच्छा बॉबी, हाँ सत्यानाश कर दिए रे, जल्दी ये कचरा साफ करो। कचरा साफ करो, बहुत हो गए नाटक, जल्दी करो। मैं गए तक पटांगू अंदर। अब्बा, टूथपेस्ट में नमक है? डर बे, घर की सुरक्षा के लिए एशियन पेंट, घर की सुरक्षा के लिए एशियन पेंट, दांतों की सुरक्षा के लिए कॉलगेट और टॉयलेट की सुरक्षा के लिए हार्पिक। भाई टॉयलेट की सुरक्षा नहीं होती, सफाई होती। मम्मी जी, लेकिन माँ बाप की सुरक्षा के लिए क्या? अरे जान दे भैया, हमारे को किसी सीआईडी की जरूरत नहीं है। अबे वो सीआईडी कोई काम वाली भाई नहीं है जिसकी तेरे को जरूरत है। मैंने टीवी पे सीआईडी देखा है, उसमें तो बहुत हैंडसम लोग होते, आपके जैसे भयानक नहीं। हकीकत हमेशा भयानक होती। वो छोड़ो, इनको पहचानते? ये तो मेरे डैडी है। कल रात सड़क पे आदमी की लाश मिली हमारे को। प्लीज मेरे डैडी के पास मेरे को लेके चलो। अभी नहीं, पहले इंक्वायरी करना पड़ता, उनका मर्डर हुआ या एक्सीडेंट। चल आज कमीनी, तेरे वजह से मेरे डैडी की लावारिसों की तरह मौत हुई है। अरे हौले, ये काम पहले करना था। डैडी आइए, सच के सामने में आपका स्वागत है। डैडी, डैडी आई एम सॉरी, डैडी आई एम सॉरी वेरी मच डैडी, डैडी मुझे माफ कर दो डैडी, डैडी। अम्मा बाबा कोई डेली सोप सीरियल नहीं है जो आज मिस कर लिए तो कल देख लेंगे। जब तक ये जिंदा है इनकी खिदमत कर लो। ओ मिस डायना, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानी नारी बन के रहो, समझे? विदेशी मैम नहीं, चलो रे। भाई एक बात बोलता हूँ, जब देश आजाद हुआ था ना तो जब इतनी खुशी हुई थी, फिर आज मिलन कराने के बाद इतनी खुशी हो रही भाई मेरे को। अम्मी जी, देश आजाद हुए जब तू पैदा हुआ था रे, चल। बोल के कहीं को मार खा रही, हर फिल्म में मेरे को मारने को रख लिया क्या? अच्छी लंबी खड़ा कर लिया बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग बना रहा, ब्रुज टावर बना रहा। ब्रुज टावर क्या होता है? ओ भाई साहब, गाड़ी हटाओ यहाँ से, मटेरियल की गाड़ी आती। पहले बस्ती में चलने को जगह नहीं है बोल के लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे जा रहे, और तुम लोग इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर लिए रे। एक आध हेलीकॉप्टर टकरा गया तो कौन जिम्मेदार है? कौन है ये बिल्डिंग का ओनर? ओनर का अगर नाम लिए तो दोनों की हवा उतर जाना। ट्यूबलेस टायर है हम लोग, इतना जल्दी हवा नहीं उतरती हमारी। कौन है तेरा साहब, जरा फोन लगा के बुला उसको, बुला। हेलो, कुछ लोग आए भाई, बिल्डिंग का काम रोक रही। कौन है? ठहर, अभी आके देखता हूँ। ओके, आ रहे क्या? आ रहे, आ रहे। अरे रुस्तम भाई की बिल्डिंग है, पहले बोलना नहीं मिया, हम दोनों एक ही स्कूल के भगोड़े हैं। अब मालूम हो गया ना, चलो गाड़ी आगे बढ़ाओ। गाड़ी तो मैं हटा लेता हूँ भाई, मगर यहाँ जो माल मटेरियल पड़ा हुआ है ना, उसकी जिम्मेदारी मैंने दे सकता। देखो धमकी दे रहे? धमकी नहीं दे रहा,
मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, जिसका शादी खाना होता बर्ताना भी उसके रहते। क्या मतलब? मतलब साफ है, फंक्शन होने से पहले शादी खाने का बिल पे करो और बर्तन अब पकवान के लिए लेके जाओ। ये बचका नहीं डायलॉग है, अपने साथ नहीं चलते। अच्छा तो अब एक एडल्ट डायलॉग सुनो। अगर मोहल्ले वालों को इस कंस्ट्रक्शन से बहुत तकलीफ होंगी और वो लोग कंप्लेन करेंगे तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। कितना होना? ज्यादा की नहीं, लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। ये हुई ना बात। लियो मिया, और सुनो, खुदा के वास्ते वो परनाले दूसरों के घर पे नको छोड़ो, हल्का पना दिखता। और हाँ, वो सीढ़ियां बनाना भी मत भूलना। लेट्स गो। ये वीडियो मीकु नच्चिनट्लयिते लाइक चेयंडी, शेयर चेयंडी। इलांटि मरिन्नि सरिकोत्त सिनिमा वीडियोल कोसम शालिमार् तेलुगु हिंदी मूवीस् ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి। మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి।